हाय फ्रेंड्स दिस इज रितेश एंड आज का हमारा जो वीडियो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं पैथोजेनेसिस ऑफ ब्लू टंग डिजीज मेनली ये शिप में होती है और ओकेजनली इट अकर्स इट आल्सो अकर्स इन कैटल एंड बफेलो एंड आल्सो इन गोड्स और इससे uh, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस डिस का मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इट, जिसमें इटियोलॉजी ट्रांसमिशन होस्ट लीजन डायग्नोसिस सारी चीजें बता चुका हूँ ये वीडियो स्पेसिफिकली डिटेल पैथोजेनेसिस पे बेस्ड है तो इस वीडियो में मैं सिर्फ पैथोजेनेसिस ही एक्सप्लेन करूंगा ब्लूटंक डिसीज की तो आइए हम देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ तो मेनली सबसे पहले फ्रॉम वेरियस रूट ऑफ इन्फेक्शन द वायरस गोज इंटू दॉडी एंटर्स इन टू दॉडी एंड इनिशियली जो रेप्लीकेशन होता है वो मेनली मेनलीमेटोपोटिक सेल्स में देखने को मिलेगा ठीक है आइए हम आगे देखते हैं

आइए हम आगे देखते हैं उसके बाद क्या क्या होता है एडिमा उसके बाद थ्रोम्बोसिस कैन बी सीन इन दिस दिसर्स एंड अकर्स एंड इट ऑल्सो बता चुका हूं हेमेटोपायोटिक सेल्स को अफेक्ट करता है तो हेमेटोपायटिक टिश्यू भी अफेक्ट होते हैं और मेनली इसमें एनीमिया और ल्यूकोपीनिया देखा जाता है ठीक है जो डब्ल्यू बी सी काउंट है ल्यूकोसाइट काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है कम हो जाता है ठीक है दोस्तों तो ये थी पैथोजेनेसिस ऑफ ब्लू डिसीज़ विच इज विच, विच अकर्स मेनली इन शीप एंड इट ओकेजनली इट अकर्स ओकेजनली इन कैटल और गोट बफेलो है ना और इससे रिलेटेड सारी चीजें मैं वीडियो में बता चुका हूं पैथोजेनेसिस और डिटेल अगर वीडियो आपको देखना हो तो ऑलरेडी बन चुका है उसमें डिटेल्ड इटियोलॉजी ट्रांसमिशन होस्ट लीजन डायग्नोसिस सारी चीजें एक्सप्लेन करी हुई है तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो आपको कोई भी सजेशन हो क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते बता सकते हैं सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच